मान जी कह रहे हैं कि टोपी पहनाने का काम दूसरी पार्टियों की ओर से किया गया है और आप टोपी पहनते रहे उन लोगों की। देखिए हम तो टोपी हमेशा पहनते हैं और पहनते रहेंगे, हम तो टोपी हमेशा पहनते हैं और पहनते रहेंगे। और महंत राजू दास जी जो है वो साधु संत हैं, इनको जो है लोगों की बुराई नहीं करनी चाहिए क्योंकि साधुओं के पास आशीर्वाद होते हैं, साधु हमेशा आशीर्वाद देता है। तो इनको चाहिए कि जो भी आवे उसको आशीर्वाद दे, ना कि उसको इतने मंच पे जो है पूरी दुनिया देख रही है उसकी बुराई कर रहे हैं। आप अपनी बात आगे बढ़ाइए आराम से, प्लीज उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। जब तक आप लोग बोलने नहीं देंगे उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। सवाल जो है जनता का है, सभी की बातों का सम्मान करना चाहिए। देखिए मैं चाहूंगी महा जी आप बोलिए थोड़ा, उनको बोलने दें। एक मिनट देखिए देखिए इकबाल चाचा बाबरी मस्जिद के पक्षधर थे, ये बाबर के वंशज अपने आप को साबित नहीं कर पाए और अयोध्या में भगवान राम का दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है। नंबर एक। नंबर दो, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि साधु संतों को आशीर्वाद देना चाहिए, साधु संत तो आशीर्वाद दिए ही, किसी ने रोका? महाराज जी ने आशीर्वाद दिया राम जन्मभूमि पर, वो पूजा आरती करने गए, हनुमानगढ़ी आए, सबने आशीर्वाद दिया। साधु किसी का विरोधी नहीं है, लेकिन मेरा भाव ये था, हो जाए मैं आ रही हूँ। इकबाल अंसारी के पिताजी जी हाशिम अंसारी, एक मिनट, इकबाल अंसारी के पिताजी हाशिम अंसारी ने एक बार कहा था कि मैं मुलायम सिंह यादव को और आजम खां को चाहता हूं अयोध्या आए और हम सब लोग मिल करके रामलला का भव्य मंदिर बनाएं। इनके पिता हाशिम अंसारी का एक बार वक्तव्य आया था। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, हाशिम अंसारी राम विरोधी नहीं थे, रामलला के विरोधी नहीं थे, न तो इकबाल अंसारी राम के विरोधी थे। जब राम जन्मभूमि पर शिलान्यास करने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तो इकबाल अंसारी सबसे आगे बैठे थे। और अयोध्या का मुसलमान भी कई ऐसे मुसलमान हैं जो राम जन्मभूमि का दर्शन करने नित्य जाते हैं, उसमें एक इकबाल अंसारी भी हैं। इन्होंने कभी विरोध नहीं किया, इन्होंने हमेशा राम जन्मभूमि का समर्थन किया है और मंदिर निर्माण करने के लिए सबसे पहले 11,000 चंदा इन्होंने दिया है अयोध्या में मुसलमानों की ओर से। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि हम देश के हिंदू मुसलमान सभी लोग मिलकर, जैसा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा किया है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हम देश की सबका विश्वास प्राप्त करके सामाजिक समरसता के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए हम सब लोग मिल करके अयोध्या के भव्य रामलला के मंदिर निर्माण करने के लिए चल रहे हैं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अयोध्या के मुसलमानों ने भी राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का जब चंदा प्रारंभ हुआ तो हमारे हिंदू धाम में आकर एक मुसलमान ने 1,11,000 रुपया का रसीद कटाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, देश के बहुत ऐसे मुसलमान हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए चंदा दिया है, इकबाल अंसारी ने भी चंदा दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर जाति पाति भेदभाव छुआ छूत ऊंच नीच की भावनाओं से ऊपर उठकर समाज को जोड़ने का काम जैसा भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, हम उनका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इकबाल अंसारी हमेशा हम लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर रामलला के पक्ष में ही अपना वक्तव्य दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। देखिए सवाल अयोध्या का है, सवाल धर्म का है, एक बार सुनिए प्लीज, एक बार लोग कभी बात सुन लीजिए। हमारा पर्सनल जो है एक राय रहा कि हम कभी धर्म विरोधी नहीं रहे, हमारा मजहब है हर धर्म का सम्मान करना, तो हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। आज भगवान राम की जो है नगरी है, भगवान राम विराजमान है, लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि मंदिर कब बनेगा। 14 साल भगवान राम जो है तपस्या किए तो जंगल में रहे, आज जो है वो अपने मर्जी के मालिक हैं, जहां जी चाहे वहां रह रहे हैं। लोग इसका सवाल करते हैं। हाँ। अभी आपने तो जो है पुजारी जी से आप सवाल कर रहे थे कि मंदिर कब बनेगा, वो बता रहे हैं कि दिसंबर 2023 तक भव्य राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ये भगवान एक उनकी अपनी मर्जी है, जब जी चाहे तहां रहेंगे, जहां जी चाहे वो रहेंगे। पूरे राम भक्त हो गए हैं आप भी। देखिए हम तो हमेशा एक सम्मान करते हैं, हमारा मजहब है,
जो लोग धर्म की जो है बुराई करते हैं उनको धर्म के बारे में मालूम नहीं है। ठीक है, एक सवाल मैं मस्जिद को लेकर उनसे कर लूं, फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगी। आप मस्जिद को लेकर किस तरह से आप लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो आपके समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनकी नजर इसी बात पर है। देखिए हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मस्जिद का जो काम हो रहा है वो हो रहा है। अब हम लोग राजनीति की बात नहीं करते, क्योंकि काम वहाँ पर निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा, क्या हो रहा है ये वो जो है सुनने संदल बोर्ड का काम है, बोर्ड कब बनाएगा कब नहीं बनाएगा आप वहाँ पे नहीं नजर रख रहे हैं, वो सारा बोर्ड अब डिसाइड करेगा। अब जो है वो बोर्ड के ही हाथ में है। ठीक है, लेकिन लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी थी और हम सब ने देखा भी था। सवाल जो है कोर्ट का रहा, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का मामला रहा, जब कोर्ट ने फैसला किया लोगों ने उसका सम्मान किया।